बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंगलटन पैटर्न। सिंगलटन पैटर्न है क्या और ये किस कैटेगरी में आती है, ठीक है, क्या मकसद है, कौन से प्रॉब्लम ये सॉल्व करती है और एग्जांपल हम पढ़ेंगे और ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है, और फिर UML डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा आपकी प्रोग्राम का। सिंगलटन डिज़ाइन पैटर्न जो है वो आता है अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिएशनल पैटर्न। जिस तरह पहले भी हमने डिस्कस किया है कि क्रिएशनल पैटर्न क्या है, कि हमें ऑब्जेक्ट बनाने का जो मैकेनिज्म है वो बताता है कि किस तरह आपने जो है ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, कौन कौन से एफिशिएंट मेथड्स हैं जिसके ज़रिए जो है आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जो है आप क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। बहुत सारे पैटर्न्स इसमें आती है, फैक्ट्री पैटर्न है, अब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री है, सिंगलटन पैटर्न है, इसके अलावा भी और बहुत सारे पैटर्न्स हैं। सिंगलटन पैटर्न के इंटेंशन क्या है कि क्यों हम बनाते हैं। इसका इंटेंशन ये है कि हमारे पास जो है किसी भी क्लास का जस्ट एक ही इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट हमारे पास बने और उसको हम क्या दें, ग्लोबल पॉइंट एक्सेस। उस ऑब्जेक्ट को जो है हम क्या दें, ग्लोबल, मतलब किसी और क्लासेस से हम क्या कर लें, उसको यूज़ कर सके, उसको जो है कॉल कर सके। अ क्लास मस्ट इंश्योर दैट ओनली सिंगल इंस्टेंस शुड बी क्रिएटेड एंड सिंगल ऑब्जेक्ट कैन बी यूज बाई ऑल अदर क्लासेज। ये हम क्या करेंगे, इंश्योर करेंगे कि जस्ट एक ही इंस्टेंस हमारा बन जाए और उसको जो है हम जितने भी और क्लासेस हैं उसमें वो इंस्टेंस हम यूज़ करें, मीन्स उसकी जो फंक्शनैलिटी है वहाँ से इनको कॉल कर सकें। अ क्लास ऑफ विच ओनली सिंगल ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये इस तरह है। कन्वेंशन इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि हमारे पास जो है क्लास होता है, ठीक है, और हम मेन जो क्लास होती है, मेन मेथड होता है, उसमें हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स जो है किसी भी क्लास के क्रिएट कर सकते हैं, जो क्या है, एक इनएफिशिएंट वे है। अगर हमारे पास इस तरह की एप्लीकेशंस हो जो हम चाहते हैं कि उसमें क्या हो, कम से कम मेमोरी जो है वो ऑक्यूपाई करे, तो ये जो कन्वेंशनल मैथ इम्प्लीमेंटेशन है ये काफ़ी नहीं है। सिंगलटन पैटर्न को अगर आप देख ले यहाँ पे, ये देखे सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ये जो क्लास है इसका एक ही ऑब्जेक्ट आपके पास जो है वो बनता है। जस्ट लाइक जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, वो क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ठीक है, कि हमारे पास जो है कंट्री को अगर हम ले लें एज अ क्लास, ठीक है, तो हर कंट्री में जो है क्या होते हैं, मिनिस्टर्स ज़्यादा होते हैं, मगर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो है वो जस्ट एक ही होता है, ठीक है। तो इसी तरह जो है हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी क्लास का जस्ट एक ही ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाए। इसमें हमारे पास जो है दो टाइप्स की वो है, एक अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या बने, जब कॉल हो तब आपका जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाए। इसमें यह है कि हम मेन क्लास में जो है चूंकि ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, जो क्लास मतलब फॉर एग्जांपल एक क्लास ए है, ठीक है, तो क्लास ए ही में हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं, ठीक है, फिर जो है एक मेथड के ज़रिए उस ऑब्जेक्ट को हम रिटर्न करते हैं मेन को, ठीक है। तो मेन में जब उस क्लास की ज़रूरत होगी, जब वो कॉल होगा तब ही जो है उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। अदरवाइज जिस तरह नॉर्मली क्या होता है ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में कि
मैन मेथड में जो है हम सारे क्लासेस के ऑब्जेक्ट बना देते हैं। जो ही आपका प्रोग्राम जो है रन होता है, रन टाइम पर सारे जो है ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ख्वाह किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो या ना हो वो बन जाता है। मगर इसमें क्या है, लेज़ी इनिशियलाइजेशन है, ठीक है। हम जो है ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, कुछ कंडीशंस की बेस पर भी हम वो कर सकते हैं कि एक एग्जांपल जो है जावा पॉइंट्स पे जो है पड़ी है, ठीक है, मैं असाइनमेंट के तौर पर भी दूंगा। उसमें भी यही है कि आप जो है किसी कंडीशन की, अगर ये क्लास कॉल हो तब जो है उसका ऑब्जेक्ट हमारे पास ए बन जाए, ठीक है। तो ये भी हम इसमें इंश्योर कर सकते हैं। एप्लीकेबिलिटी इसकी किधर है कि जहाँ पर जो है मल्टी थ्रेडेड और डेटाबेस की एप्लीकेशंस हो, जहाँ पर हम जो है हमारे पास मेमोरी जो है वो हम कम से कम यूज़ करना चाहें, वहाँ पर जो है ये यूज़ होता है, ठीक है। मल्टी थ्रेडेड एंड डेटाबेस एप्लीकेशन में, मल्टी थ्रेड में किस तरह के आपके जो है थ्रेड होता है उसके मल्टीपल, आपके प्रोसेस होता है उसके मल्टीपल थ्रेड्स बनते हैं, मगर आपका जो मेन प्रोसेस होता है हम चाहते हैं कि जस्ट उसका ही जो है वो आपके पास ऑब्जेक्ट बने, जितने भी और छोटी छोटी थ्रेड्स हैं उनके ऑब्जेक्ट जो है वो ना बने, ठीक है। जस्ट वो क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को जो हमने उस मेन उसके लिए बनाए हैं उसको यूज़ करें। तो इस एप्लीकेशन के लिए हम ये बनाते हैं। एडवांटेज क्या है, सेव मेमोरी बिकॉज ऑब्जेक्ट इज नॉट क्रिएटेड एट ईच रिक्वेस्ट, ओनली सिंगल इंस्टेंसेस रीयूज अगेन एंड अगेन, ठीक है। आपके पास जो है सिर्फ एक ही जो है इसका ऑब्जेक्ट बनता है और वही ऑब्जेक्ट या वही इंस्टेंस दोबारा दोबारा ये यूज़ होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये देखिए सिंगलटन क्लास है, उसमें हमने क्या बनाया है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ये देखिए ये सिंगल ये इंस्टेंस, ठीक है। सिंगलटन, सिंगलटन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो क्या है प्राइवेट है, ठीक है। फिर जो है हमने कुछ फंक्शंस बनाए, ये देखिए ये कंस्ट्रक्टर है सिंगलटन, इसको हमने प्राइवेट कर लिया, ठीक है। और ये देखें गेट इंस्टेंस जो है ये क्या है, एक फंक्शन है जो क्या करता है, इस जो हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया है इसको क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ये जो है आपके पास इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। थैंक यू।